जी सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात कर रही हूँ शबे मिराज के बारे में। शबे मिराज जो है वो बेसिकली 27वां दिन होता है रजाब महीने का। और रजाब महीना जो होता है वो आपका इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल से मई के बीच में पड़ता है। तो शबे मराज जो है यूजुअली तो एक छुट्टी के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन मुस्लिम्स में इसकी अपनी एक खासियत है जिसको बहुत बखूबी से मौलाना तारिक जमील साहब ने समझाया है। तो पहले मैं बताती हूँ कि ये जो शबे मराज है ये बेसिकली एक जर्नी है अल्लाह की, प्रॉफिट मोहम्मद की, जो उन्होंने करी है ओवरनाइट। तो ये पूरी रात की उनकी जर्नी का बयान बखान जो है वो मौलाना साहब यहाँ पे आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे अल्फाजों में। और मौलाना साहब की अगर मैं बात करूँ तो वो 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, मुस्लिम्स में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उन्हीं की ज़बानी आइए पहले सुनते हैं शबे मिराज के बारे में, थोड़ा सा और जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है शबे मिराज के बारे में तो पहले जानते हैं और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे नबी ने बच्चों दुनिया से जाते हुए भी नमाज सिखाई और इसके अलावा तो एक मेरी आप सब बच्चियों से आपसे आपके असातिज़ा से गुजारिश है, नमाज ना छोड़ो, ये हमारी पहचान। कज़ा हो गई कोई बात नहीं, बाद में कर लो। रात को सोने से पहले 5 का फिगर पूरा करके सो, तो इंशाल्लाह फिर एक वक्त आएगा अल्लाह आपको 5ों की तौफीक नसीब फरमा दे। इसमें अल्लाह ने कोई गुंजाइश नहीं रखी है, अल्लाह ने सारी शरीयत आसमान से अच्छा, उतारी। मेराज का मतलब होता है आसमानों नमाज का देने के सफर। लिए मेराज पे बुलाया, 7ों आसमान पार करके। पहले आसमान पर जब आप पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार, दूसरे आसमान पर पहुंचे तो यहया ज़करिया ईसा वेलकम इस्तकबालिया जमात, तीसरे आसमान पर पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे आसमान पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम। ये सब इस्तकबालिया जमात थी, जैसे अभी आप लोगों ने गेट पे खड़ी की हुई थी इस्तकबालिया जमात। 7वें आसमान पर पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वहां से आगे गए तो सिदरतुल मुंतहा, कायनात का बॉर्डर, एंड ऑफ द यूनिवर्स, एंड ऑफ द यूनिवर्स। और वहाँ जाके वो जिब्रील का ठिकाना है, वहाँ जाके जिब्रील कहने के, या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं इतना भी गया तो जल के राख हो जाऊँगा, इतना भी ऊपर गया यानी मेरे पास आगे वीज़ा कोई नहीं, आप जाएँ, आपका रब आपको ले जाए। आगे आप कैसे गए वो अल्लाह जानता है या अल्लाह का रब जान या अल्लाह का नबी जानता है। तो उसके बाद आपने ऊपर का सफ़र शुरू किया और अर्श के दरवाज़े खुले, पहली दफ़ा अर्श के दरवाज़े खुल रहे हैं और अल्लाह का अर्श झूम रहा है कि आज कोई आ रहा है, और वजद में है, रक्स में है, मस्ती में है, शौक में है, कोई आ रहा है। आपके कदम मुबारक अर्श की सतह पर लगे और अर्श और अल्लाह के दरमियान लामहदूद पर्दे नूर के हैं। मेरे अल्लाह ने सारे 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 पर्दे हटाकर फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ए मेरे महबूब नबी, आपका रब आपको सलाम पेश करता है, सुभान अल्लाह। और फिर आपने कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, मेरे रब मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ, मेरा बोल सब तेरे लिए, मेरी हर बंदगी तेरे लिए, वो जानी हो, माली हो, जबानी हो, सब तेरे लिए। इस पर अल्लाह ने खुश होकर कहा, अस्सलामु अलैक अय्युहन, अस्सलामु अलैकुम नहीं, अलैक, सिर्फ आपको आपका रब सलाम पेश कर रहा है। अलैकुम में था होता आप सबको, सबको नहीं, सिर्फ आपको, मेरा ए मेरे महबूब, आपका रब सिर्फ आपको ये इज्जत दे रहा है कि आपको आपका रब सलाम पेश करता है, आप पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हों। फिर अपने नबी पे कुर्बान जाओ, उन्होंने उम्मत को शामिल कर लिया। अच्छा या अल्लाह, वो तो तेरी शान बेनियाजी है, आपने मुझे अपनी रहमत से नवाज कर कहा अस्सलामु अलैका, पर अब मैं कहता हूँ मेरी कबूल कर लेना, अस्सलामु अलैना,
मेरे ऊपर और मेरी उम्मत पर भी तेरा सलाम आ जाए। क्या नबी अल्लाह ने दिया, सुभान अल्लाह। आपने फौरन उम्मत को शामिल किया, अस्सलामु अलैना, याला हम सब पर, पूरी उम्मत पर तेरा सलाम हो, पूरी उम्र पर तेरा सलाम हो। वहाँ जो तोहफा दिया, बहुत सी बातें हुईं। एक हदीस सुनाता हूँ फिर नमाज की बात करता हूँ। अपने अर्ज की, या अल्लाह इब्राहिम आपके खलील थे और मूसा आपके कलीम थे और दाऊद के लिए लोहा नरम था, सुलेमान के लिए हवा ताबे थी और ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए मुर्दे जिंदा थे। फमाजा जालतली, या अल्लाह मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वा वलैसा कद आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे महबूब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। अच्छा चलो, वो क्या है? क्या वो ये है, क्यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। आपको मेरा साथ मिल गया, आपको मेरा कुर्ब मिल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे पढ़ो। अब ये जुदा हो सकता है? कोई आता है ना ऑफिसर, तो उसका नाम की प्लेट लगती है, नेम प्लेट लग जाती है। जब वो साल, दो साल, तीन साल बाद ट्रांसफ़र होता है तो उसकी नेम प्लेट तब्दील होकर दूसरी लग जाती है। या अपने दफ्तरों में देखते रहते हैं, तो आदम से लेकर मूसा तक यही था। एक नबी आए, उनके नाम की प्लेट लगी, वो गए तो उतर के दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। जब एक कम 1,24,000 हुए ईसा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, तो जब उनको अल्लाह ने उठाया तो वो प्लेट उतर गई। अब आना था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह जुकर तो इल्ला जुकर तमई। अब ये नेम प्लेट नहीं हट सकती, क्यामत का धमाका भी इसे नहीं हटा सकता। अब आपका और मेरा नाम हमेशा इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं। फिर अल्लाह ने और कैसे इकट्ठा किया, वो कितनी चीज़ों को उसमें मुनासबत से पैदा किया। अल्लाह के लफ्ज़ में कोई नुक्ता है? बोलो, हैं? मोहम्मद में कोई नुक्ता है? अहमद में कोई नुक्ता है? नहीं है। जो जिन हरफों पे नुक्ता आता है ना, बा ता खा जीम चे ज़ाल ज़ा शीन ज़ाद ज़ा ग़ैन फ़े क़ाफ नून, ये कमज़ोर हैं। और जिन हरफों पे नुक्ता नहीं आता ये पावरफुल हैं। तो अल्लाह ने अपने अपने हबीब के नाम के लिए वो हरफ लिए जो पावरफुल हैं। अच्छा, कितनी, ये तो मुझे नई बात पता चली, अल्लाह खुदा। इसलिए अल्लाह का असल नाम अल्लाह है, खुदा नहीं है। हमारे बर्रे सगीर में खुदा चल गया, ये किसी फारसी ने नाम अपने इल्म से बताया। खुदा उसे कहते हैं बच्चों जिसे किसी ने नाम बनाया हो, लेकिन अल्लाह वो नाम है जो उसने खुद अपना नाम रखा कि मैं अल्लाह हूँ। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ अब दूसरी मुनासबत, अल्लाह चार हर्फ, अलिफ लाम लाम हा, मुहम्मद चार हर्फ, मीम हा मीम दाल, अहमद चार हर्फ, अलिफ हा मीम दाल। तो अल्लाह चार, मुहम्मद चार, अहमद चार हर्फ। ये मुनासबत समझ में आई? अगली मुनासबत, इन तीनों को जमा करो तो 12 बनता है। अल्लाह के चार हर्फ, मुहम्मद के 4 8, अहमद के 4 12। जब अल्लाह ने कलमा तौहीद जोड़ा और कलमे रिसालत हमें सिखाया, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हर्फ हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी 12 हर्फ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने कहा, मेरे महबूब आपको मैंने पता क्या दिया है, क़यामत तक आपका नाम मेरे नाम के साथ रहे। वहाँ 50 नमाजें दी, मेरे महबूब आपकी उम्मत के मर्द औरतों के लिए 50 नमाजें, और मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के नबी की रज़ा पर, रज़ा बर कज़ा, एक दफ़ा नहीं कहा, या अल्लाह ये 50 पढ़ेंगे कैसे?
इनके समझाने का तरीका पहले कितनी नमाजें फर्ज थी, दो फजर की, दो रकात असर की, दो रकात। मेरे नबी उसी वक्त आमीन कहा और वापस चल पड़े। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मूसा को अल्लाह ने खुद ही खड़ा किया होगा कि ये मेरा नबी 50 लेके जा रहा है, मुझसे कहा ही नहीं मैं कम करूं, तो मूसा इसे मेरे पास वापस भेज। वरना मूसा अलैहिस्सलाम खुद कैसे खड़े हो सकते थे। बहरहाल चूंकि मेरे जहन की बात है, पढ़ी हुई बात नहीं है, तो मैं इतने दावे से नहीं कह सकता। आगे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, हुजूर कैसी रही मुलाकात, कब 50 नमाजें मिली। कहने के तौबा तौबा, कौन पढ़ेगा, अल्लाह के वास्ते वापस जाएं, थोड़ी करवा के लाएं। तो आप छठे आसमान पे पहुंच चुके थे, सिदरतुल मुंतहा से छठा आसमान, लाखों करोड़ों साल का फासला, लेकिन वो यूं तय हो रहा था। वापस गए, या अल्लाह कोई थोड़ी कर ले, खफ़ अन उम्मती। तो अल्लाह कहता चलो ठीक है, हमने 5 ही देनी है, 45 माफ़। नहीं, अल्लाह का 5 माफ़, 45 लेके वापस भेज दिए। आगे फिर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो चुके, अल्लाह के नबी ने फिर नहीं कहा कि थोड़ी करें, हाँ जी कितनी, क्या हुआ, का 5 माफ़ हो गई। क्या नहीं, ये मैं मिन्नत करता हूँ, अब वापस जाएँ, इन्होंने कोई नहीं पढ़नी, बहुत ज़्यादा है। फिर वापस अल्लाह ने फिर 40 उड़ाने की बजाय अल्लाह ने कहा अच्छा 5 माफ़, तो 40 हो गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़े तो उन्होंने कहा अच्छा 5 माफ़, तो 35 हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम, एक दफ़ा मेरे नबी ने खुद नहीं कहा सुभान अल्लाह। आपकी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ा बादल क़ज़ा, या अल्लाह मुझे अपनी तकदीर पे राज़ी कर ले, जो तू कहे मैं सर झुका दूँ उसके सामने, मेरा काम ही हो तेरे आगे सर झुका दें। 35 या रसूल वापस, अल्लाह ने कहा चलो 5 और कम, 30। फिर वापस उन्होंने भेजा, फिर 5 और कम, चलो मेरे महबूब 25। फिर वापस, चलो मेरे महबूब 20। फिर वापस, मेरे महबूब 15। फिर वापस, मेरे हबीब 10। फिर वापस, मेरे हबीब 5। 5 पे आ गए, अब पहुँचे। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने गए अब क्या हुआ, कब 5 रह गई, कब कोई नहीं पढ़नी, सुपीरियर दे लड़के हैं कोई नहीं पढ़नी, हेक्की पढ़ेंगे वो भी हाथ आ गए जुमे दी नमाज, बाकी सारियां बख्शवा लेन। शेख अब्दुल गदर जिलानी महबूब सुबहानी पीरान पीर रहमतुल्लाह मुराकबे में थे, तो शैतान ना नूरानी शक्ल में आ गए, मैं तेरा रब तुझसे बात कर रहा हूँ, जा आज से तेरी सब नमाजें माफ। तो वो कोई आम आलिम थोड़ा ही थे पीरान पीर, उन्होंने मुराकबे में फरमाया कि ये तो रब ने अपने नबी को माफ़ ना की, तू कौन है मुझे माफ़ करने वाला, तू शैतान ही लगता, तुहानू ख्वाब आ जाता तुम ढंडोरा पटवा देना, शुक्र है नमाजा की छुट्टी हो गई, कम बन गया नमाजा, रब ने आके आख दिता है नमाजा की छुट्टी, ये नहीं पता भी शैतान आया बैठा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 5 बहुत ज़्यादा हैं, नहीं पढ़ेंगे। आपने कहा मूसा अब मुझे शर्म आती है, 5-5 कम हो रही हैं, अब गया और ये भी माफ़ हो गई, तो फिर मेरी उम्मत अपने अल्लाह से राबता कैसे करेगी, मैं नहीं जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फ़र्ज थीं, फजर की 2 रकात आसर की 2 रकात, और वो भी बाजमात नहीं थी, बाजमात हमें मिली है, हमें अजान मिली, हमें मस्जिद मिली, हमें बाजमात नमाज मिली, हमें नमाज में कुरान की तिलावत मिली, हमें नमाज में रुकू मिला। पहली उम्मतों की अजान कोई नहीं, मस्जिद कोई नहीं, तिलावत कोई नहीं, नमाज के अंदर रुकू कोई नहीं, क़याम से सीधा सजदा और खड़े होकर तस्बीह पढ़ो, तिलावत कोई नहीं, चूँ वो अपनी किताब के हाफिज नहीं होते थे। और हमें अल्लाह ने ये दौलत दी है कि हमारा 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हो जाता है। मेरे पड़ोस में एक बच्ची, 5 बच्चों की माँ, 40 साल उम्र, 5 बच्चों को लेकर उसने 2-2 सतरें याद करना शुरू की, उसने 10 साल में सारा कुरान याद कर लिया। बच्चों की खिदमत, खामिंद की खिदमत, सास ससुर की खिदमत, अपनी खिदमत, और उसके साथ 10 वो लगी रही, 10 साल में कुरान याद सारा कर ली। और इसका उलट भी बताऊँ, मेरे मदरसे में मेरा एक शागिर्द था सुलेमान नाम, आजकल अमेरिका में होता है,
वहाँ मदरसा चला रहा है। तो रमज़ान आ गया तो कोई हाफिज नहीं था। उन्होंने कहा उस्ताद जी मैं सुनाऊँगा। सुबह बैठता और शाम तक एक से पारा याद करता और इशा में तरावी में सुना देता। उसने 30 दिन में सारा कुरान याद कर लिया, सिर्फ 30 दिन में। ये मैं आपको कहीं की नहीं सुना रहा, क्योंकि मेरे मदरसे का किस सहजे में आपको सुना रहा हूँ पूरे दावे के साथ। उस बच्चे ने सिर्फ 30 दिन में कुरान याद करके सुबह से शाम तक याद करता और शाम को तरावी में सुना देता। और ऐसा भी नहीं कि भाई कभी इधर जा रहा हो कभी उधर जा रहा हो, फर 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 पूरा याद करके सुना देता। तो हमें नमाज बड़ी खूबसूरत मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी थी, ये आपकी उम्मत 5 कैसे पढ़े? आपने कहा नहीं मूसा अब मुझे शर्म आती है। तो नमाज को इतनी अहमियत के साथ मेरे अल्लाह ने कुरान में, मेरे नबी ने ज़िंदगी में, सहाबा ने, मेरे नबी के नवासे ने करबला में मिसाल कायम कर दी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, जिस्म की बोटियाँ उधड़ जाएँ पर सजदा नहीं छूट सकता। रोज़े में है मुसाफिर हो बाद में रख लो, बीमार हो बाद में रख लो, नमाज में कोई माफ़ी नहीं भाई। हज में गुंजाइश है, आज फ़र्ज हुआ है मौत से पहले पहले अदा कर लो। ज़कात में गुंजाइश है, आज फ़र्ज हुई है अगले साल की 22 अक्टूबर तक जब चाहो दे दो। लेकिन नमाज का वक्त आ गया है, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त है नमाज, किबला रूह के खड़ी हो गई कौम है हिजाज। नमाज की ताखीर कोई नहीं, नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये हमें अल्लाह से जोड़ती है, अल्लाह से जोड़ती है, अल्लाह से जोड़ती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया, और जैसे इन्होंने बताया कि यस सबसे अच्छा होता है, आप सब कुछ तब पा लेते हैं जब आप अपने जिस भी भगवान, आप जिस भी अपने देवता की पूजा करते हैं, इस केस में मैं अल्लाह की अगर बात करूं, और अगर आप उनको पा लेते हैं तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और जैसे इन्होंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पर, जैसे इन्होंने बताया कि जो उन्हें बताया गया, जी हाँ ज़बान हमारी सब कुछ करती है। अगर हमने ज़बान पर काबू पा लिया, कंट्रोल पा लिया, तो हमारे जितने भी, मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे बोलने की वजह से हो जाती। तो इट इज़ बेटर, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम ब्रेक डाउन कर जाते हैं, जब हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ भी होती है, बट मेरे हिसाब से मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ डेवलप करने की, बट मेरा भी यही जो है तजुर्बे के हिसाब से मैं भी यही आप सबको बोलूँगी कि काबू रखें, हौसला रखें, और जब आपको लगे ना कि अभी आप किसी पे भी गुस्सा कर देंगे या कुछ आप गलत निकलने वाला है, तो अपने गुस्से को अपने अंदर काबू पाने की कोशिश करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जैसे मैं पर्सनली ओम का जाप करती हूँ, आप अपने अल्लाह या जो भी क्रिश्चियन में या पंजाबी में जो जिसके भगवान हैं उनका जाप कर सकते हैं और अपने गुस्से पर फटाफट से काबू पा सकते हैं। बट ज़बान से एक बार जो शब्द निकल जाता है वो वापस नहीं आता, तो ऐसा कोई शब्द ना निकाले, देखिए आपकी आधे से ज़्यादा परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और मैं अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके अपने सजेशंस और फीडबैक्स भी देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।